खुद को किसी से कम ना समझना, इसके बारे में बातचीत करने वाले मेरा मैं डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति न्यू महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। क्या है कि हम कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट इसका मतलब है कि सातत्य, कंसिस्टेंटली मतलब एक से लिखा वही 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 काम करना, स्थिरता रखना, छोड़ देने का नहीं है। और वही नहीं आपके पास में है कंसिस्टेंसी, मतलब लगे रहना है, लगे रह के काम करना है, छोड़ने का नहीं है, तो आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हो। क्या होता है कि वही हमारा बहुत दुर्गुण है एक मनुष्य का। देखिए, एक हमारा जिम चलाने वाला दोस्त है, उसको मैंने पूछा कि भाई कैसा चल रहा है, बोले बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने बोला क्या तुम्हारा रेट कितना है, बोले 3,000 रुपये महीना हम लेते हैं जिम का। 3,000 रुपये महीना लेते हैं एक व्यक्ति से फीस करके जिम का, और साल भर का हम लेते 12,000 रुपये महीना। मतलब अभी पागल है तू, ऐसा क्यों कर रहा है? साल का होता है 36,000 रुपया और तुम 12,000 रुपये ले रहे। बोले वही तो है खासियत, लोगों को लगता है कि हम सिर्फ 1,000 रुपये महीना दे रहे और 12,000 रुपये दे रहे। लोग 15 दिन के बाद में आते भी नहीं है, 15 दिन के बाद में देखते कि अपना वजन कैसा हो गया, कम हो गया, बहुत खुश, बंद कर देते आना या फिर छोड़ देते हैं। तो हमारा डोनेशन में बहुत पैसा जमा हो जाता है, 12-12 हज़ार, 12-12 हज़ार, क्यों लोग आते नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। एक हमारे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में दोस्त है, उनको हमने पूछा कि भाई आपके ट्रेनिंग की क्या फी है, कितनी फी है? बोले हमारी ट्रेनिंग की फी है वो है 10 सेशन की 1,00,000 रुपया, और 1,00,000 रुपया देने के बाद में और 10 सेशन, 3-3 घंटे के 10 सेशन वो लेते हैं, 1,00,000 रुपये उनकी फीस है। और 1,00,000 रुपये देने वाला आदमी भी 5-6 सेशन, 7 सेशन के बाद में धीरे धीरे आदमी कटना शुरू हो जाता है, कुछ लोग तो 2 सेशन के बाद में बंद हो जाते हैं। बोले हमको डोनेशन देने वाले बहुत लोग हैं। डोनेशन कैसा है कि 1,00,000 रुपये देके भी 10 में से 2 लोग आते भी नहीं है, मुंह बताते नहीं है, इतने लोग उदार है अपने जीवन में, आते भी नहीं। क्यों? कंसिस्टेंसी नहीं है, मूड से चलते हैं, मूड्स भावनाओं से चलते हैं। कोई ऐसा भावना होगी भाई चलना है, करना है, चलो करो, रजिस्टर करो, पैसे दे दो, बाद में मूड नहीं है तो छोड़ दिया। तो जो मूड से चलता है उसका प्रॉब्लम होता है। देखो, फिट रहना बहुत ही आसान है, मगर है सिंपल, बहुत ही आसान है ना, बहुत सिंपल है मगर इजी नहीं। देखो, फिट रहना आसान है और बिल्कुल बहुत ही आसान है ना फिट रहना से देखा जाए, मगर सहज नहीं, सुलभ नहीं है। क्यों? क्योंकि फिट रहना है तो उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, खाने में बहुत कंट्रोल लाना पड़ेगा, तभी वजन कम होगा और आप फिट रहेंगे। पैसा कमाना आसान है मगर कोई बहुत ही सहज सुलभ नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो करना पड़ता है वो लोग करते नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो है वो है आसान, मगर यदि आप वो कंसिस्टेंटली करते हैं तो बहुत वो सहज सुलभ हो जाता है, ईजी हो जाता है। लोग अपने आप को इसमें बहुत कम समझते हैं, उनको एक लो सेल्फ इमेज रहती है, लो सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, खुद को पहचानने की जो शक्ति है वो, कि नहीं मैं बहुत कम हूँ, कमजोर हूँ, एबल नहीं हूँ, दुर्बल हूँ, कैपेबल नहीं हूँ, मुझे इतनी अक्ल नहीं है, मुझे ना ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है, मैं तो बहुत बोधड़ हो गया हूँ, मतलब मुझे सूझता नहीं जल्दी जल्दी, मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरी याददाश्त बहुत कम है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना बाकी लोग हैं। तो वो जो है लो सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान कम रहना या खुद को कम समझना, वो बहुत ही बड़ा रोग है। दुनिया में है ये, दुनिया में सबको है। क्यों? क्योंकि बचपन में कुछ तो भी हुआ, किसी ने कुछ तो भी आपको बोल दिया और आपको वो जाके ऐसी बात अंदर बैठ गई। किसी ने बोला होगा तू गधा है, तुझे अक्ल नहीं है, तू मूर्ख है, तेरे को समझता नहीं है। किसने एक मतलब चापड़ मार दिया होगा, ठोक दिया होगा, मार दिया होगा, या किसने आपका इंसल्ट कर दिया होगा, कुछ तो भी हो गया और तब से आपने निर्णय ले लिया कि नहीं ये तो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ और बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ। और फिर वहाँ से एक गिल्ट फीलिंग, एक लो फीलिंग आपके जीवन में आ गया और फिर वहाँ से आपने ऑपरेट करना चालू किया। उसका क्या संबंध है आज? कुछ भी संबंध नहीं है। बचपन में जो भी हो गया उसका आज कुछ भी संबंध नहीं है। जो भी हो गया वो हो गया, आज आप कुछ भी कर सकते हो। एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, आपके लिए सब संभव है और जो आपको चाहिए वो भी संभव है, मगर उसके लिए जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। और वो क्या करना पड़ेगा? पास्ट भूलना पड़ेगा, अतीत भूलना पड़ेगा, अतीत में जो भी ठोकरें खाई हुई, अतीत में जो भी कुछ हुआ है
वो अतीत में हुआ है, उसका आज कोई संबंध नहीं है, वो स्टोरी बना के अपने को जीने का नहीं है। आप देखते हैं कि क्या संभव है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मेरे लिए क्या क्या करना संभव हो सकता है, वो यदि आप देखते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी संभव होगा। इसलिए खुद को कभी भी कम मत समझो, लोगों से कंपेयर मत करो, पावरफुल जीवन जियोगे। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।